हेलो फ्रेंड्स, आपका वे टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो ले रहा हूँ, जैसे मैं आपको रियलमी 2 प्रो में आए नए सॉफ्टवेयर अपडेट का रिव्यू देने वाला हूँ। तो सब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लिया था जब ये अपडेट मेरे डिवाइस पर आया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है न्यू वर्जन ऑफ कलर ओएस इज अवेलेबल, जिसका वर्जन है RMX 1801 EX 11A.08 और ये 154 MB का अपडेट है। आप इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है, जो कि है कंटेन सिस्टम सिक्योरिटी पैचेस। और इसका यही मतलब है कि हमें यहाँ पर नया सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलना चाहिए था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रिकमेंडेशन में यही लिखा था कि दिस वर्जन ऑप्टिमाइजेस द इफेक्ट ऑफ द फ्रंट कैमरा एंड इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल यूज़र्स। और फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पर अपडेट कर लिया। अब यहाँ और इसके अपडेट चेन लॉग में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एड हाई परफॉर्मेंस एंड लो पावर मोड्स इन द गेम स्पेस। सो फ्रेंड, मैंने गेम स्पेस यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वाली सेटिंग कहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे कि मैं आपको एक बार जाकर अपनी सेटिंग्स में दिखा देता हूँ कि मेरा डिवाइस यहाँ पर अपडेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दिस हैज़ अ ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन। अगर मैं आपको फीचर्स में दिखा दूँ तो आपको वही सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन करी है उसमें से एक भी चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ डिवाइस अपडेटेड हुआ है एक नए वर्जन में। इस डिवाइस में बिल्कुल भी कोई भी नई चीज़ें नहीं आई है। जैसे आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक चीज़ मेंशन थी इंक्लूड सिस्टम अपडेट पैचेस। तो यहाँ पर मैंने अपडेट करने से पहले यहाँ पर सितंबर का पैच देखा था, हमें वही पुराना सितंबर का पैच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने सोचा था कि इस अपडेट में अक्टूबर का पैच देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रियलमी ने कई दिनों के बाद अपडेट प्रोवाइड करा है, तो इसमें एक सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट तो होना चाहिए था। मगर रियलमी ने इस पता नहीं क्या वर्क करा, इसमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी पैच अपडेटेड नहीं हुआ है। और फिर मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करी, अगर मैं एंड्रॉयड वर्जन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो का लोगो मिल गया। अगर मैं इसके ऊपर बार बार क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि वापस सेटिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर कलर हो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है। और फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसका फ्रंट कैमरा भी चेक करा था कि इसमें कुछ मेंशन करा गया है कि इसमें कुछ इफेक्ट्स में फिक्सेस किए गए हैं। सो फ्रेंड, मैंने बिल्कुल भी फिक्स नोटिस नहीं करा। यहाँ पर ओवर एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर मैंने एक ब्लू बैकग्राउंड था, मैंने वहाँ पर फोटो क्लिक करी और पूरा वो ब्लू बैकग्राउंड वाइट हो चुका है, इतना ओवर एक्सपोजर का इशू हुआ। पता नहीं रियलमी ने क्या काम करा है इस अपडेट में, बहुत ही ज़्यादा इशू आ रही है। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का काम होता है हमें, वो अभी भी स्वाइप करके करना पड़ता है। और यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, सब वैसे के वैसे ही हमारे डिवाइस का लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो चुका है। बस यही चीज़ें थी जो कि हमें इस अपडेट में देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर अपडेट करने की बात करी जाए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपडेट ना ही करें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपडेट करना तो आप जाकर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा।